हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा जो विषय है, टॉपिक है, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर, यानी एफआईआर का क्या साक्षिक महत्व है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट का जो है न्यायालय के दृष्टि में उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि न्यायालय के दृष्टि में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है एफआईआर, उसका कोई भी सारवान महत्व नहीं है। जब भी एफआईआर, कोई भी एफआईआर जो है उसका तभी सारवान महत्व होगा जब उसका हम क्या करते हैं, न्यायालय में उसका संपुष्टिकरण करते हैं या उसका खंडन करते हैं, तभी ही उसका वैल्यू मिलता है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, यानी संज्ञेय मामले से संबंधित जो एफआईआर होता है वो सीआरपीसी की धारा 154 में दर्ज कराया जाता है। और ये जो एफआईआर होता है तीन प्रतियों में होता है, और जो एफआईआर के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उसमें जो दिया जाता है एसेंशियल एलिमेंट में, मुख्य रूप से चार बिंदु को ध्यान में रखा जाता है। अगर एफआईआर में ये चार बिंदु अगर नहीं होते हैं तो आपके एफआईआर का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, आगे चल के कोर्ट के यानी ट्रायल में उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑकरेंस होना चाहिए। यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट जब भी बनाते हैं, यानी कोई कंप्लेंट करते हैं, तो सबसे पहले जो होता है उसमें ऑकरेंस होना चाहिए, यानी कोई घटना होना चाहिए। घटना जब भी घटित होता है तो सबसे पहले घटना का दिनांक होना चाहिए, यानी घटना होना चाहिए, घटना का दिनांक होना चाहिए। दूसरा, घटना का समय होना चाहिए, और जो घटना जहाँ घटित हुआ है वो प्लेस होना चाहिए, यानी घटना स्थल भी वहाँ पे होना चाहिए, और किस व्यक्ति के विरुद्ध वो अपराध किया गया है या किस संपत्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है, उस बात का भी वर्णन उसमें होना चाहिए। यानी गवाह भी है तो गवाह का भी जिक्र हम करेंगे। यानी जिस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, वो चाहे वो ज्ञात व्यक्ति हो चाहे अज्ञात व्यक्ति हो, उसका नाम उसमें हम मेंशन करते हैं। अगर नाम पता मालूम है तो उसका एड्रेस वैसे ही लिख दिया जाता है, पूरा डिटेल उनका देते हुए। अगर नाम पता आपको एड्रेस नहीं मालूम है तो अज्ञात के तौर पर लिख दिया जाता है, नाम पता अज्ञात के तौर पर लिख दिया जाता है। तो उस एफआईआर का तभी साक्षिक महत्व होगा, वैसे तो उसका कोई भी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होता है। वो एविडेंशियल वैल्यू तभी उसकी बनती है, यानी साक्ष्य में उसे तभी ग्राह बनाया जाएगा जब उसका न्यायालय में जो है, जो अभियुक्त जो गवाह जो आता है न्यायालय के समक्ष, जब उसका परीक्षण होता है, जब परीक्षण करता है न्यायालय, अभियोजन पक्ष अपने गवाहों का परीक्षा करने कराता है, चीफ कराता है, उसके बाद जब उसका क्रॉस होता है तो उसी दौरान वही परीक्षण होता है। जब वो एविडेंस अपना जब गवाही के तौर पर जब पेश में यानी न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, तो उसी समय उस एफआईआर की वैल्यू तय की जाती है कि जो क्या उस एफआईआर में जो बातें कही गई हैं क्या वो सत्य है कि नहीं है, उसी समय उसका एविडेंशियल वैल्यू हमें पता चलता है। यानी कोई भी न्यायालय है किसी भी साक्ष्य को, मतलब कोई भी एफआईआर को साक्ष्य के रूप में वो ग्रहण नहीं करेगा। यानी जब भी उसका साक्ष्य में तभी प्रयोग किया जाएगा, तभी उसका वैल्यू होगा जब तक उसका हम जब है खंडन नहीं करते हैं। यानी उसका प्रयोग जब भी करेंगे, एविडेंशियल वैल्यू अगर हम चाहते हैं कि न्यायालय इसका एविडेंशियल वैल्यू स्वीकार करे, ग्राह करे, तो उसका हमको संपुष्टिकरण करना होगा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत बताया गया है कैसे उसकी संपुष्टि होगी, या तो उसका खंडन किया जाएगा। तो खंडन जो होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत, यानी उसका खंडन किया जाता है। यानी जब भी यानी उस एफआईआर का प्रयोग जब यानी संपुष्टिकरण यानी कन्फर्मेशन करने के लिए जब प्रयोग करते हैं, या उसका कंट्रडिक्शन यानी खंडन करने के लिए जब न्यायालय में प्रयोग करते हैं उसी एफआईआर का, तब वहाँ से उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यानी जो सपोर्ट करेगा, यानी अभियोजन को सपोर्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है वो साक्ष्य में ग्राह होगा, और जो अभियोजन को सपोर्ट नहीं करेगा वो साक्ष्य में ग्राह नहीं होगा, ऐसी स्थिति में अभी बच भी जाता है। तो यही इसकी साक्षिक, और भी इसमें केसेज हैं, बहुत सारे न्यायालय के केसेज हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो हमको बनाना है, बस इसीलिए आपको हम ये सूचना दे रहे हैं। बहुत